राइटिंग अ जॉब एप्लीकेशन, जॉब के लिए एप्लीकेशन लिखना। याद रहे एप्लीकेशन भी अपने आप में एक लेटर है और वो भी फॉर्मल काइंड ऑफ लेटर। दिस में इन्वॉल्व यू इन फिलिंग इन अ फॉर्म, इन विच केस ट्रीट इट इन द सेम मैनर एज एन ऑफिशियल लेटर। कहा जा रहा है कि एप्लीकेशन को एक फॉर्मल लेटर की तरह ही ट्रीट किया जाए, ऑफिशियल लेटर की तरह ही ट्रीट किया जाए। सपोज़ यू आर अप्लाइंग फॉर अ जॉब इन आंसर टू एन एडवर्टीजमेंट इन द प्रेस। मान लीजिए किसी प्रेस में आपने, किसी न्यूज़पेपर में या फिर कहीं भी मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपने एडवर्टीजमेंट देखा किसी जॉब के लिए, तो उसके आंसर के लिए आप एक एप्लीकेशन लिख रहे हैं सो दैट यू कैन गेट अ जॉब। कंस्ट्रक्ट योर लेटर इन सच अ वे दैट इट हेल्प्स द सेलेक्टर टू गेट द की फैक्ट्स। अब हमें जॉब एप्लीकेशन लिखना है और इस वे में लिखना है सो द सेलेक्टर, यानी जो रिक्रूट करने वाले हैं उनको काफ़ी हेल्प हो जाए हमारी इंफॉर्मेशन को एक ही नज़र में देखने के लिए। इट प्रेज, क्योंकि ये वर्क करता है, ये काफ़ी हेल्पफुल है। इट पेज, यानी इसका फ्रूट मिलता है, इसका फल मिलता है अगर हम अपने जॉब एप्लीकेशन को बहुत ही सिस्टमेटिक वे में लिखते हैं। राइट अ कवरिंग लेटर सेइंग वेयर यू सॉ द एडवर्टीजमेंट। सबसे पहले हमें ये मेंशन करना है कि आपने ये एडवर्टीजमेंट कहाँ देखा एंड द डेट ऑन द विच यू सॉ इट। दिस शोज़ यू आर सिस्टमेटिक। आपको मेंशन करना है कि आपने एडवर्टीजमेंट कहाँ देखा और कौन सी डेट को देखा। ये मेंशन करना दिखाएगा कि आप कितने सिस्टमेटिक हैं और कितने ज़्यादा सीरियस हैं इस जॉब को लेकर। गिव योर रीजंस फॉर अप्लाइंग एंड इफ ऑलरेडी एम्प्लॉयड, आप ये जॉब क्यों चाहते हैं इसका रीज़न भी मेंशन करें। इफ़ यू आर ऑलरेडी एम्प्लॉयड व्हाई डू यू वांट टू चेंज। अगर आप ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं, पहले से ही जॉब होल्डर हैं, तो इस कंपनी में आप जॉब क्यों चाह रहे हैं इसका रीज़न भी लिखें। स्टेट एनी पॉइंट्स विच मे बी इन योर फेवर सच एज़ विलिंगनेस टू गो अब्रॉड, ड्राइविंग एक्सपीरियंस एंड आउटसाइड इंटरेस्ट। और आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं उसके अलावा जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ आप करते हैं, जो आपके इंटरेस्ट हैं, हॉबीज़ हैं, उनको भी मेंशन करें जो कि आपके सिलेक्शन के लिए हेल्पफुल हो सकता है। अब्रॉड में आपने वर्क किया है तो इसको भी मेंशन करें जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। आउटसाइड इंटरेस्ट आपके हैं कंपनीज को लेकर, तो ये भी आपके लिए फेवरेबल साबित हो सकता है। राइटिंग अ जॉब एप्लीकेशन इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स, बिकॉज दे आर सपोज टू राइट दिस काइंड ऑफ लेटर्स इन फ्यूचर। वेल, गिव द नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ एटलीस्ट टू पीपल हु कैन बी कॉन्टेक्टेड फॉर रेफरेंसेस। जॉब एप्लीकेशन में रेफरेंस के तौर पर एटलीस्ट टू और थ्री पर्संस का रेफरेंस देना भी हेल्पफुल हो सकता है जिनसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट किया जा सके। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिफरेबली योर लास्ट एम्प्लॉयर, स्पेशली अगर आप ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं या कहीं पर आपने वर्क किया हुआ है, तो उस एम्प्लॉयर को आप एज ए रेफरेंस लिख सकते हैं सो दैट द न्यू रिक्रूटर, द न्यू सेलेक्टर कैन कॉन्टैक्ट डायरेक्टली टू द पर्सन कंसर्निंग। और द प्रेजेंट वन, और जहाँ पर आप वर्क कर रहे हैं उनका भी कॉन्टैक्ट नंबर लिखा जा सकता है। योर हेडमास्टर और योर ट्यूटर ऑल्सो एंड वन रिस्पॉन्सिबल पर्सन, कोई भी पर्सन जो आपके लिए रिस्पॉन्सिबल है या आपके लिए इम्पॉर्टेंट है या आपके लिए एल्डर है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर या उनका नेम मेंशन किया जा सकता है एज रेफरेंस। एंड वन रिस्पॉन्सिबल पर्सन हु हैज़ नोन यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो आपको लंबे टाइम से जानता हो। यू मस्ट ऑफ कोर्स, इट इज़ नेसेसरी टू आस्क दीज रेफरीज, यानी रेफरीज मीन्स द पर्सन दैट हैज़ बीन गिवन फॉर द रेफरेंस, दिस रेफरीज बिफोर हैंड
वेदर दे आर प्रिपेयर टू वाउच फॉर यू। जिन लोगों का नाम हम रेफरेंस के तौर पे दे रहे हैं उनको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया जाए दैट यू हैव मेंशन देयर नेम्स फॉर द रेफरेंस सो दैट दे कैन बी प्रिपेयर्ड। वो अपने आप को प्रिपेयर कर लें आपके बारे में बताने के लिए। अगर उनके पास में कांटेक्ट आता है, फ़ोन किया जाता है उनको आपकी जानकारी लेने के लिए, सो दैट दे कैन टेल अबाउट यू। इंक्लोज अ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ योर सेल्फ विद योर नेम रिटन ऑन इट। अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी मेंशन इंक्लोज करें, अटैच करें साथ में, जिस पर आपका नेम लिखा हो। ऑन अ सेपरेट शीट विद योर नेम एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर गिव योर करिकुलम विटाए। करिकुलम विटाए, करिकुलम यानी शेड्यूल, प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन। विटाई इज़ ए लैटिन वर्ड दैट मीन्स लाइफ, शॉर्ट हिस्ट्री। आपकी करिकुलम की, आपकी पढ़ाई की हिस्ट्री, विटाई इसका ब्रिटिश प्रोनंसिएशन है, जबकि यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स में और अमेरिकन इंग्लिश में इसका प्रोनंसिएशन होता है वाईटी, करिकुलम वाईटी। बट बिकॉज इन इंडिया वी स्पीक ब्रिटिश लैंग्वेज, ब्रिटिश इंग्लिश, सो वी विल प्रोनाउंस इट करिकुलम विटाए। आई ई इट एक्सप्लेन्स ऑल द रिलेवेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ। ये सेपरेट शीट में मेंशन की जाने वाली चीज़ें हैं। गिव योर नेशनैलिटी, इट मे बी इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ वर्क परमिट्स और फॉर अदर पर्सन्स अदर रीजन्स। नंबर थ्री, गिव योर मैरिटल स्टेटस वेदर यू आर मैरिड और नॉट। वेल नंबर फोर, गिव योर एजुकेशन विद द नेम ऑफ योर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, द डेट्स यू आर देयर इन ब्रैकेट्स आफ्टर ईच। और अपनी एजुकेशन, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपने किया है उनके आगे उनके बोर्ड्स का नेम और डेट्स भी मैंशन करनी है कि आपने पर्टिकुलर डिग्री कब अचीव की है। देन गिव द सब्जेक्ट्स यू स्टडीड एंड योर ग्रेड्स। गिव योर एक्सपीरियंस, लिस्ट द जॉब्स यू हैव डन विद द डेट्स इन ब्रैकेट्स। दिस इज हाउ अ लेटर फॉर एप्लीकेशन विद इट्स इंक्लोजर शुड लुक। नाउ वी आर गोइंग टू लुक एन एग्जाम्पल ऑफ अ लेटर, a letter for job application. The managing director, इससे पहले हम एड्रेस और डेट लिख सकते हैं according to the new pattern of writing. Now, salutation, dear sir, in answer to your advertisement in the Times of India, जैसा कि हमने पढ़ा था कि हमें पहले ये बताना है कि हमने advertisement कहाँ देखा, तो यहाँ पर बताया गया है कि we have I am in answer to your advertisement in the Times of India, I wish to apply for the position of personnel manager. I am 29 years old, Indian, unmarried. अपनी एज और नेशनैलिटी और मैरिटल स्टेटस भी बता दिया गया है। My reason for applying to you is that I feel the need for change. और मैं आपकी कंपनी में एप्लीकेट कर रहा हूँ इसलिए, because I want change. Uttam Steel is a small family firm which does not offer enough scope for promotion. Uttam Steel, जिसमें मैं पहले वर्क कर रहा था, वो एक छोटी फैमिली फर्म है जिसमें प्रमोशन के स्कोप ज़्यादा नहीं है, जबकि मैं प्रमोशन चाहता हूँ और ज़्यादा अपलिफ्टमेंट चाहता हूँ, इंक्रीमेंट चाहता हूँ। फॉर रेफरेंसेज प्लीज़ कॉन्टेक्ट माई प्रेजेंट एम्प्लॉयर सी ई ओ उत्तम स्टील और उनका एड्रेस। CEO, it is an abbreviation for Chief Executive Officer. In the last, the subscription, yours faithfully, then signed Rakesh Kumar. Enclosed, यहाँ पर हमें वो चीज़ें मेंशन करनी है जिन्हें हमने अटैच किया है लेटर के साथ में,
वन पासपोर्ट फोटोग्राफ एंड माई करिकुलम विटाई ऑन अ सेपरेट शीट। याद रहे ये चीज़ अलग से दूसरी पेपर में मेंशन करना है। लाइक दिस, नेम राकेश कुमार, DOB, मैरिटल स्टेटस, स्कूलिंग जहाँ से आपने किया है, NCC, स्पेशल एक्टिविटीज़ अगर आपने की हैं या हॉबीज़ आपकी हैं तो वो भी मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर किया गया है NCC, या आपका स्पेशल एक्सपीरियंस है जिसको मेंशन किया गया है, सी सर्टिफिकेट इन ग्रेड ए, सर्टिफिकेट कंप्यूटर ओ लेवल, या आपकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपकी प्लस पॉइंट्स हैं, एक्सपीरियंस जॉइंड एज ए क्लर्क इन उत्तम इष्टि लिमिटेड पुणे ऑन July 1, 2015। वेल सो दिस वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ जॉब एप्लीकेशन, जिसमें हम पहले ये बताते हैं कि आपने एडवर्टीज़मेंट कहाँ देखा और आप लेटर क्यों लिख रहे हैं, उसके बाद में आप अपना जो करंट स्टेटस है, आपकी एज, मैरिटल स्टेटस और क्वालिफ़िकेशन ये बताएंगे, फिर आप मेन पार्ट ऑफ द बॉडी लिखेंगे कि आप इस कंपनी में वर्क क्यों करना चाहते हैं, बिकॉज़ यू वांट अपलिफ्टमेंट, यू वांट चेंज, यू वांट प्रमोशन, वट एवर, देन यू विल राइट सब्सक्रिप्शन, देन यू विल राइट योर नेम, एंड लास्टली यू विल राइट इंक्लोज्ड, यानी जो चीज़ें आपने इसमें संलग्न की हैं, अटैच की हैं, उनको मेंशन करेंगे, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, सो दैट यू कैन रिकॉग्नाइज यू, यू कैन आइडेंटिफाई यू, दे कैन आइडेंटिफाई यू, एंड करिकुलम वाइटाई, जो कि विटाई, जो कि अलग से पेपर में लिखा जाना है, जो कि आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है।